अभी हम यहाँ देखेंगे बुलियन ऑपरेशन एंड एक्सप्रेशंस। तो फर्स्ट इसमें आता है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट देखते हैं तो यहाँ एडिशन को हम बोलते हैं और गेट एंड मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं एंड गेट। तो ये और गेट और एंड गेट है, ये और गेट एंड ये है एंड गेट। तो और गेट में जब भी हम पास करते हैं वैल्यू अपार्ट फ्रॉम जीरो तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है यानी कि ट्रू आता है, और अगर केवल हम फॉल्स और फॉल्स दे रहे हैं यानी कि जीरो और जीरो दे रहे हैं तो रिजल्ट वहां पे जीरो होगा। सेम मल्टीप्लीकेशन में है, मल्टीप्लीकेशन में हम वन और वन जब पास करते हैं यानी कि ट्रू और ट्रू पास करते हैं तो वहां पे रिजल्ट हमको ट्रू मिलेगा, एल्स इन थ्री और अदर केसेस हमको फॉल्स मिलेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। तो यहाँ पे तीन इसके लॉ है। फर्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ जो कि कहता है कि अगर मल्टीप्लीकेशन और एडिशन में अगर सीट इंटरचेंज कर दिया जाए फिर भी रिजल्ट जो है रिजल्ट अफेक्ट नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे a प्लस बी है इक्वल टू बी प्लस ए तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, रिजल्ट सेम आएगा। सेम है एसोसिएटिव लॉ। द एसोसिएटिव लॉ स्टेट दैट व्हेन यू ऐड और मल्टीप्लाई एनी थ्री रियल नंबर्स द ग्रुपिंग और एसोसिएशन ऑफ दिस नंबर डज नॉट अफेक्ट द रिजल्ट। जब थ्री नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं उसको किसी के साथ एसोसिएट करके, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन देते हैं 3 × 2 × 4 तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं 3 × 2 (in brackets) and (in)4 ऐसे भी कर सकते हैं तो वो रिजल्ट जो होगा रिजल्टेंट होगा वो इफेक्टेड नहीं होगा। थर्ड आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेरिएबल एंड एडिंग द रिजल्ट इन थर्ड वेरिएबल, मतलब कि अगर दो वेरिएबल है उसका मल्टीप्लीकेशन और एडिशन और तीसरे में जब हम जोड़ते हैं तो वो भी रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं देगा जो आगे हम समझाएंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर ले a प्लस बी इंटू सी तो a एक फर्स्ट वेरिएबल हो गया एंड b c एक साथ है मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पे हो सकता है कि b का वैल्यू जीरो हो c का वैल्यू वन हो। तो b इंटू c जब होगा तो अगर जीरो और वन है तो इसका रिजल्ट हो जाएगा जीरो, इसका रिजल्ट हो जाएगा जीरो। और जब ये आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे जब आगे बढ़ेंगे तो इसका अगर वैल्यू है वन, इसका वैल्यू अगर वन है तो जीरो प्लस वन रिजल्ट होगा वन। वही यहाँ पे बता रहा है कि a प्लस बी, अगर a प्लस बी करे अगर b का वैल्यू वन है तो a प्लस बी इक्वल टू वन इंटू a प्लस सी, a का वैल्यू तो वन ऑलरेडी है और c का वैल्यू अगर जीरो है तो उस केस में भी रिजल्ट क्या होगा हमेशा वन ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। तो यहाँ पे देख सकते हैं लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा जो भी कम्यूटेटिव लॉ होता है कि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए तो रिजल्ट डिफरेंट नहीं होगा, रिजल्ट सेम रहेगा। जैसे कि यहाँ और गेट के थ्रू यहाँ पे देख सकते हैं a वन लाइन एंड b वन लाइन और ये दोनों जब ज्वाइंट होंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा a प्लस बी। यहाँ इस तरह के चार केस हो सकते हैं, a का वैल्यू a और b का वैल्यू वन वन हो सकता है, a वन और b जीरो हो सकता है, a जीरो b वन हो सकता है और दोनों जीरो जीरो हो सकते हैं। तो ये रिजल्ट जो होगा उसका रिजल्टेंट जो आएगा वो भी एग्जैक्ट सेम रहेगा, जो रिजल्ट आएगा उसका सेम रिजल्ट आएगा। ये हो गया कम्युलेटिव लॉ कि प्लेस चेंज करने से रिजल्ट डिफर नहीं होगा, रिजल्ट सेम आएगा। अभी जब आगे बढ़ते हैं लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा में कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन में भी यही होगा, इसमें भी चार केसेस बनेंगे जो सेम एडिशन जैसे रहेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं 1 × 1 हुआ, 1 × 0 हुआ, 0 × 1 हुआ, 1 × 0 हुआ। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन में भी यही सेम है कि अगर प्लेस चेंज करते हैं इसके जगह पे इसको लाते हैं या इसके जगह पे इसको लाते हैं तो कुछ फर्क नहीं होगा, वो रिजल्टेंट सेम रहेगा जो इस फॉर्मेट में आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। यहाँ है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ कि दो को हम एसोसिएट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और इसको हम एसोसिएट करके हम एडिशन कर रहे हैं। फर्स्ट है बी प्लस सी का एसोसिएशन किया और नेक्स्ट इक्वल टू हम रखते हैं ए प्लस बी का एसोसिएशन करते हैं और उसमें सी को एड करते हैं तो भी रिजल्ट सेम रहेगा, जो रिजल्ट होगा वो सेम आएगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं और गेट में वन लाइन गया यहाँ पे ए और बी एंड सी एक गेट में पास किए जा रहे हैं तो यहाँ रिजल्ट आया बी प्लस सी, यहाँ रिजल्ट हुआ बी प्लस सी और इस बी प्लस सी के आउटपुट को इस गेट में पास किया जा रहा है ए वाले गेट में, तो यहाँ हो गया ए प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी एक
एक साइड का आउटपुट है तो ये b प्लस सी को यहाँ पे दिया गया, ये रिजल्टेंट हुआ। तो ये सेम रिजल्ट को इस तरह से राइट हैंड साइड में लिखा गया है, a प्लस बी का एसोसिएशन अभी लेते हैं और c को अलग से हम पास करते हैं दूसरे गेट में, तो भी रिजल्ट यहाँ पे सेम आएगा। नेक्स्ट स्लाइड को बढ़ते हैं, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन में सेम एज प्रीवियस है कि वहाँ b इंटू सी का एक, यहाँ पे b इंटू सी का एक ग्रुप लिए हैं और उसमें a को फिर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस गेट से पास करके, तो यहाँ रिजल्ट आया a इंटू बी इंटू सी। और यहाँ पे एसोसिएशन ले रहे हैं a प्लस बी का, यहाँ पे एसोसिएशन ले रहे हैं a इंटू बी का, एंड इस गेट से ए बी जो निकला आउटपुट उसको हम इनपुट दे रहे हैं नेक्स्ट गेट को जिसमें सी इनपुट है, और यहाँ पे रिजल्ट हुआ a इंटू बी इंटू सी। ये हुआ एसोसिएटिव लॉ की प्लेस अगर चेंज करते हैं, एसोसिएशन को अगर चेंज करते हैं, a प्लस बी है और उसमें c को ऐड कर रहे हैं तो उसके रिजल्टेंट जो होगा a प्लस बी प्लस सी जो हुआ, b और प्लस c का जो एसोसिएशन बना तो रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं देगा। सेम यहाँ भी वही है, a इंटू बी इंटू सी का एसोसिएशन इक्वल टू a इंटू बी का एसोसिएशन इंटू सी का इंटू सी। आगे बढ़ते हैं लॉ ऑफ बूलियन में, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ। डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ है जैसे कि हम डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ में यहाँ देख सकते हैं a इंटू इन ब्रैकेट b प्लस सी है, तो a जो है वो दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, b एंड c दोनों के साथ, क्योंकि यहाँ पे एडिशन है। तो यहाँ हो गया ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी हो गया। तो अभी इस गेट के थ्रू हम समझेंगे जो यहाँ पे रिजल्टेंट आया ए बी प्लस ए सी, और यहाँ पे है ए इंटू बी प्लस सी, तो बी प्लस सी को यहाँ पे देख सकते हैं और गेट में पास किया जा रहा है, रिजल्ट हुआ बी प्लस सी, और उसको एंड गेट में बी प्लस सी के रिजल्ट को एंड गेट में पास किया जा रहा है ए के इनपुट के साथ। तो यहाँ पे एक एक्स आउटपुट निकला है, तो एक्स इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए भी ए डिस्ट्रीब्यूटेड में है, और इसका जो रिजल्ट हुआ उसको इस तरह से भी, उसका जो रिजल्ट हुआ उसको इस तरह से भी प्रेजेंट किया जा सकता है, a इंटू बी ए बी एंड a इंटू सी ए सी, इन दोनों के आउटपुट को और गेट में अगर हम पास करते हैं तो यहाँ रिजल्ट x आ जाएगा जो कि ये है। अभी आते हैं रूल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा में 12 रूल हैं। अगर एक को हम रिप्रेजेंट करें, ए का कोई भी वैल्यू हो सकता है, मे बी ए इक्वल टू 1 हो सकता है, ए इक्वल टू 0 हो सकता है, तो ए का यहाँ पे दो वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन अगर ए प्लस 0 है तो रिजल्ट ए यहाँ पे लिखा गया, अगर ए प्लस 0 है तो रिजल्ट यहाँ पे ए लिखा गया है। क्यों? क्योंकि अगर ए का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, अगर ए का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा इस तरह से। फिर है a प्लस 1 इक्वल टू 1, a का वैल्यू हो सकता है 1 होगा या 0 होगा, तो 1 प्लस 1 2 नहीं हो सकता है, 1 प्लस 1 1 ही रहेगा यहाँ पे, और अगर 0 प्लस 1 है तो भी 1 ही रहेगा। a इंटू 0 मीन्स 0, अगर a का वैल्यू 1 भी है और 0 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो ये 0 रहेगा, और a का वैल्यू 0 है, a का वैल्यू कुछ अननोन है डॉट 1 है तो उसका वैल्यू ए होगा, क्योंकि जो ए का वैल्यू होगा 1 होगा या 0 होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अगेन फिफ्थ रूल है ए प्लस ए इक्वल टू ए, ए प्लस ए इक्वल टू ए, ए का वैल्यू अगर 0 है तो नेक्स्ट ए का भी वैल्यू क्या होगा, 0 ही रहेगा, तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0 होगा। अगर ए का वैल्यू 1 है तो इस ए का चेंज नहीं हो जाएगा, इसका भी 1 ही रहेगा, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ए का जो वैल्यू रहेगा वो हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है सिक्स नंबर, ए प्लस ए नॉट। ए नॉट होता है कि अगर नॉट सिंबल जिसपे चढ़ा हुआ है, ए ऊपर बार चढ़ा हुआ है, किसी भी वेरिएबल पे बार चढ़ा हुआ है तो उसको हम नॉट काउंट करते हैं, उसका रिवर्स, यानी ए का अगर वैल्यू 1 है तो उसका रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इस केस में ए प्लस ए नॉट, अगर ए का वैल्यू 1 है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, अगर ए इक्वल टू 0 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। सेवेंथ नंबर है ए इंटू ए इक्वल टू ए, मीन्स 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, और 0 इंटू 0 इक्वल टू 0, और 1 इंटू 1 इंटू 0 इक्वल टू 0 समथिंग। यहाँ पे भी वही है कि अगर a का वैल्यू 1 है तो a नॉट हो जाएगा 0,
अगर a का वैल्यू जीरो है तो a नॉट हो जाएगा वन, वन मल्टीप्लाइड बाई जीरो इक्वल टू जीरो। जब डबल नॉट का सिंबल हो, डबल नॉट डबल बार हो, तो डबल बार जब डबल बार होता है तो रिवर्स ऑफ रिवर्स हो जाता है। अगर जीरो है तो जीरो ही रहेगा, जीरो है तो फर्स्ट कन्वर्जन पे होगा वन, उसके बाद दूसरे कन्वर्जन पे होगा, दूसरे लेयर के कन्वर्जन पे होगा जीरो। अगर यहाँ पे वन है तो फर्स्ट कन्वर्जन पे हुआ जीरो और दूसरे बार के कन्वर्जन पे होगा वन। इसका जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। टेंथ है ए प्लस ए बी इजक्वल टू ए, क्योंकि ए का वैल्यू अगर जीरो है प्लस ए के वैल्यू पे इस एक्सप्रेशन का डिपेंडेंसी है। ए प्लस ए बी, अगर बी बी को हम मल्टीप्लाई करते हैं ए से, अगर वैल्यू ए का जीरो है तो ए जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। इसका टोटल वैल्यू डिपेंड करता है ए पे। नेक्स्ट आते हैं ए प्लस ए नॉट बी इक्वल टू ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ अगर ए का वैल्यू जीरो है, ए का वैल्यू जीरो पर एंड ए नॉट हो गया वन और बी का कुछ वैल्यू है, ए मल्टीप्लाई होगा इससे, तो बी के वैल्यू पे डिपेंड करता है यहाँ पे कि बी का वैल्यू क्या है। अगर वन है तो ए वन हो जाएगा, अगर जीरो है तो ए जीरो हो जाएगा। रूल नंबर 12 है ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी इंटू सी, क्योंकि यहाँ ए प्लस बी होगा तो ए प्लस बी, अगर ए जीरो है, अगर ए जीरो है बी वन है तो यहाँ जीरो और सी वन है, तो जीरो प्लस वन वन हो गया और जीरो प्लस वन वन हो गया, तो वन इंटू वन हो गया, रिजल्ट वन रहेगा। तो ए का वैल्यू जो है कॉमन है, तो बच गया डिपेंडेंसी किस पे, बी एंड सी पे, तो बी एंड सी को मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे, या ए दोनों में कॉमन हो गया तो बच गया बी बी एंड सी। रूल ऑफ बूलियन अलजेब्रा का फर्स्ट सेक्शन देख सकते हैं, फर्स्ट रूल जो है उसका टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, टेबल आप देख सकते हैं, और गेट टेबल जिसको बोलते हैं, और ट्रूथ टेबल। तो यहाँ ए का वैल्यू वन है और बी इक्वल टू जीरो लिए हैं, तो ये एक्स का जो रिजल्ट आएगा वन है होगा, अगर ए इक्वल टू जीरो है, बी भी जीरो है, तो एक्स इक्वल टू जीरो होगा। तो इस तरह से ए प्लस जीरो इक्वल टू वन। तो यहाँ देखिए वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ए एंड बी का जीरो 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 वन वन जीरो वन वन, तो उसका रिजल्ट एक्स जो आएगा वो इस तरह से आएगा। नेक्स्ट स्लाइड को बढ़ते हैं, सेकेंड रूल, रूल ऑफ बूलियन अलजेब्रा का सेकेंड रूल। तो इसमें इस रूल में देख सकते हैं कि दो वैल्यू वन वन पास कर रहे हैं, या एक जगह पे जीरो पास कर रहे हैं और एक वन पास कर रहे हैं, तो रिजल्ट वन है। इसका टेबल इस तरह से, जो जो वहां पे 12 रूल आप देखे थे उसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं थर्ड में, ये एंड टेबल का है, एंड टेबल का फर्स्ट रूल इसका है, ए का वैल्यू एंड बी का वैल्यू जीरो जीरो, रिजल्ट इक्वल टू जीरो, जीरो वन रिजल्ट जीरो, वन जीरो रिजल्ट जीरो, एंड वन तो ये वन रहेगा। जब हम कुछ कंडीशन लिखते हैं, इफ कंडीशन, उस टाइम में इन सब का एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। फोर्थ रूल में ए इक्वल टू जीरो एंड सम बी इक्वल टू वन पास किए हैं, तो ये रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे, इस टेबल को आप रेफर कर सकते हैं। फिफ्थ रूल है, इस टेबल को रेफर कर सकते हैं।
Subscribe the channel and press the bell icon for latest updates.